पड़ोसी जनपदों के जिला मुख्यालयों को फोर लेन से जोड़ने की योजना के तहत प्रस्तापित यमुना नदी पर नदी पुल के साइट सिलेक्शन के लिए टीम ने सर्वे किया। इसके साथ ही टीम ने सांसद डॉक्टर रामशंकर कटेरिया से शेरगढ़ घाट पर यमुना नदी के पुल निर्माण के संबंध में चर्चा की। सांसद डॉक्टर रामशंकर कटेरिया ने बताया है कि फरवरी माह से पुल निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा और यह पुल वर्ष 2026 में यह जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। जालौन और पूरा बुंदेलखंड और यह का जो नेशनल हाईवे है और यह सिटी नेशनल हाईवे से ये पूरा बुंदेलखंड जोड़ने वाला यमुना का एकमात्र औरैया का शेरगढ़ का पुल है और इस पुल को बने हुए लगभग 30 साल से ज्यादा हो गए। तो इसकी जो क्षमता है बड़े वाहन और ओवरलोड वाहन की क्षमता इसकी धीरे धीरे समाप्त हो रही है और इसको ध्यान में रखते हुए आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों की तरफ से और विभाग की तरफ से भी जो प्रयास हुआ उसके परिणाम स्वरूप ये एक दूसरा नया पुल स्वीकृत हो गया है जो सेतु निगम उसका निर्माण करेगा। 151 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया है, टेंडर उसका लग चुका है, खुलने वाला है और फरवरी में ये काम पुल का शुरुआत हो जाएगी और ये 2026 में पुल बन करके जनता को समर्पित हो जाएगा। औरैया से रामकुमार राठौर की रिपोर्ट।